फैंस अप लोगों, तो यो मेरे, अरे रुको जरा, हाँ तो यो मेरे 4.26 के फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। फिर स्वागत है एक और आधा एंड वीडियो में। तो भाई ये होने वाला है पार्ट टू जो हम घर बना रहे थे भाई शिवा भाई का, तो वो आधा बना था, पूरा नहीं बन पाया। तो भाई इसे स्टार्ट करते हैं, भाई इसे भी ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो इसे स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पर स्टार्ट। तो पहले रात बतौर के, पहले तो भाई सो जाते हैं जाके, वरना यहाँ पे भाई रात में थोड़ा काम करना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। पहले हम सो जाते हैं, यहाँ पे सो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम सो जाते हैं, और जहाँ तक हमने भाई इतना करा है, जिसने भी अभी तक वी वाली वीडियो नहीं देखी जाके चैनल पे जाके देखो, उसका पार्ट वन आपको मिल जाएगा। और उसका पार्ट टू भाई हमने यहाँ पे देखो, हमने पार्ट वन में हमने इतना डेकोरेशन करा था इसका। पार्ट टू में भाई इसका कमरा डेकोरेशन करना है, तो कमरा फटाफट हम डेकोरेशन करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से इसको लगाना स्टार्ट करते हैं इसे। तो ये पूरा, इस पूरे को भर के हम फिर मिलते हैं, ठीक है। पूरा भर देता हूँ जल्दी फटाफट बिना कोई देरी के, फिर हम मिलते हैं इसके। तो ये लो भाई, देखो यहाँ पे अपना ये ओपन, यहाँ पे अपना ड्राइंग रूम हो गया, किचन हो गया, और सामने अपना एक रूम हो जाएगा। तो रूम की एंट्री में यहीं से हम दे सकते हैं जहाँ तक है भाई, कहाँ से नहीं चाहिए रूम की एंट्री को। रूम की एंट्री में यहीं से देते हैं, काम करते हैं तो ऊपर तोड़ देते हैं। और ये रूम की एंट्री बहुत है, तो भाई इतना बड़ा रूम थोड़ा खास अच्छा नहीं लगेगा, उसमें थोड़ा सा मुझे अधिक बैठ होगा। थोड़ा टॉर्च की, थोड़ी टॉर्चिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी यहाँ पे। फिलहाल मैं भी यहाँ पे लैंप लगा देता हूँ, सही करते हैं, ठीक है। तो भाई इतना अच्छा, इतना बड़ा कमरा अच्छा नहीं लगेगा, तो ठीक है हम यहाँ से डिवाइड कर देते हैं थोड़ा सा। इतना हम अभी कुछ बना देंगे अभी, पहले यहाँ पे भाई फिर अपना कमरा डेकोरेशन करते हैं, ठीक है। क्या भाई इतना ही बन चुका है, और भाई आगे का मैं यहाँ करना, उसकी फ्लोरिंग काट के, तो उसकी फ्लोरिंग भी सही करते हैं। उसकी फ्लोरिंग भाई वाइट ही रखेंगे और अच्छा लगेगा यार, ठीक है। पूरा भाई देखो, हमने ये तो काट लिया, बस हम वाइट करेंगे तो हमें वाइट वाइट मैच होगा, वाइट कलर अच्छा लगेगा, नहीं तो नहीं चाहिए। फ्लोरिंग में ब्लैक नहीं, येलो करके देखते हैं एक बार, येलो कॉम्बिनेशन कैसा होता है, ठीक है। वैसे येलो अच्छा लगता है तो हम करेंगे, नहीं करते तो भाई ये चेंज कर देंगे, ठीक है। तो येलो स्टार्ट कर देते हैं करना। फ्लोरिंग थोड़ा चेक करो कैसी लग रही है, तो भाई इतनी बुरी भी नहीं लग रही है और इतनी अच्छी भी नहीं लग रही, इसके हम वाइट ही रखें तो वाइट थोड़ा और लग जाएगा, इसलिए हम यही रख देते हैं, ठीक है। अब इतना हो गया, ठीक है। तो भाई पीछे अपना, जब पीछे का भी अपना पीछे का डिज़ाइन आप डेकोरेशन कर सकते हो कैसे ही करके। तो भाई मैं ये घर शिवा भाई के बारे से, मैं आपके पीछे एस देख, एस जो है वो लिखना भाई अच्छा लगेगा। तो भाई माफ़ करना है, पीछे की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ रही है भाई। इस पूरे कमरे को डेकोरेट करने के बाद मिलते हैं फिर से। तो भाई ये इतना बना है यार, इससे ज़्यादा बन नहीं रहा मुझसे, ठीक है। तो ये डेकोरेशन भाई तुम्हारा ये हो गया, ऊपर से खिड़की हो गई, और भाई यहाँ सामने या भाई यहाँ पे बगल में एक काम करते हैं हम यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे थोड़ा खाली पर अच्छा ही लगेगा, तो यहाँ पे हमें एक वॉशरूम बैठा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बगल में वॉशरूम हो जाएगा आपका आराम से, ठीक है। तो भाई ये डेकोरेशन पूरा हो चुका है भाई, हम इसे बना रहे हैं बाथरूम। तो भाई अब बाथरूम पूरा बनाते हैं, मिलते हैं उसके बाद। तो ये तो वॉशरूम बन के रेडी हो गया, ठीक है। और अरे बाथरूम ये अपना भाई एकदम अपना रूम बन के रेडी हो गया बढ़िया सा, ठीक है। बाकी क्या अपने बगल में डेकोरेशन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी है, जैसे कि कुछ भी अकॉर्डिंग कर सकते हैं यार। मुझे तो इतनी डेकोरेशन के हिसाब से आया, मैंने इतना कर दिया, ठीक है। लैम्प वैम्प भी सही लग रहे हैं इतने, एक काम और कर सकता हूँ। अरे यार तू यहाँ क्या कर रहा है भाई, तेरा रूम नहीं है, ठीक है। एक काम और कर सकता हूँ यहाँ पे, एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे, कि री चैन होती है, और हम वो कहाँ गया लाइट, ये री लाइट रॉड, इससे हम डेकोरेशन के लिए ऐसे नहीं। ऐसे करना चाहिए,
ये अपना एक रूम हो जाएगा एकदम बढ़िया सा, और उसका दरवाज़ा भी जो हमारा जो उसका डोर रहेगा वो भी यूनिक सा लगाएंगे, जैसे कि यूनिक यूनिक ये ठीक है। अगर इसकी जो फ्लोरिंग है और यहाँ पे मैंने सोचा था यहाँ से एक काम करते हैं, ऐसे इसको उठाते हैं और यहाँ पीछे का जाने के लिए बढ़िया सा रास्ता गेट लगाते हैं, जैसे कि भाई ये वाला ला देते हैं, ये वाला तो लगाया वहाँ पर। अरे नहीं यार, पीछे के लिए भाई ये वाला गेट शायद बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पीछे का जो मतलब पीछे का डेकोरेशन करना है, और भाई यहाँ पे कुछ भी डेकोरेशन कर लो अपने अकॉर्डिंग। जहाँ तक मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, कुछ नहीं करता यहाँ पे भैया, कुछ नहीं करता यहाँ पे ठीक है, यहाँ ऐसे छोड़ देते हैं खाली। एक काम करते हैं, खाली में छोड़ते हैं, काम करते हैं, मस्त आइडिया आया है। अब पीछे का डेकोरेशन रहेगा, देखो पूरा अपना ये हो गया, नीचे का रह गया, पीछे का रह चुका है ठीक है। तो ये वो भी डेकोरेशन करना पड़ेगा, बाहर से पूरा डेकोरेशन करेंगे यार। देखो अब इतना तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये अपना एक रूम आ गया बढ़िया सा, रूम आ गया अपना डेकोरेट आ जाएगा अपना बढ़िया सा। यहाँ पर ये है और यहाँ पर आ जाएगा बाथरूम मान लो मान लो फिलहाल, ये चीज़ हो जाएगी अपना मस्त। अब रह गया थोड़ा बाहर का इलाका और ये वाला इलाका, पूरा ब्लैक कर देंगे बिना कोई देरी के ठीक है। तो इसको पूरा ब्लैक करके मिलते हैं ठीक है। तो लो भाई ये हमने पूरा कर दिया काला काला ठीक है, पूरा ब्लैक कर दिया है। और भाई अपना अपना रूम भी कंप्लीट रेडी है पूरा एकदम मस्त ठीक है। अपना बाथरूम, अरे ये से बंद करो ठीक है, अपना बाथरूम भी रेडी है। और भाई अब भाई इसका जो बाहर का था भाई, बाहर वाला मैंने डेकोरेट कर दिया है भाई। इसकी मैंने फुल वीडियो बनाई थी पर क्या वो वीडियो डिलीट हो चुकी है, तो भाई इसलिए वो नहीं बन पाई। तो हमने स्विमिंग पूल बनाया है और यहाँ पे धूप सेकने के लिए एक एरिया बनाया है, और बाहर का भी हमने भाई बाहर में गेट लगा दिया है, तो देख सकते हो आप लोग ठीक है, पूरा देख सकते हो तो मज़ेदार भाई, पूरा घर बन चुका है। तो भाई आज की वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं अगली वीडियो पर, टाटा बाय बाय। ध्यान रखना, जो भी भाई नया है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना, और कोई और चैलेंज हो वो भी बताना, वो जरूर कम्प्लीट करेंगे। एक चैलेंज हमारा ये रहा भाई, और एक चैलेंज हमारा ये रहा ठीक है, वीएफजी भाई का एक अजूबा ये दूसरा अजूबा ठीक है। तो भाई ऐसे ही चैनल बने रहना और अपना सपोर्ट दिखाना भाई, वो वाली वीडियो डिलीट हो गई वरना आपको ज़रूर दिखाता वो वाली वीडियो भाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, ध्यान रखना, सपोर्ट दिखाए रखना।